نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم نئی سورت سورۃ الحدید دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر چیز, ماں हर चीज जो कहा है आसमानों में और जमीन में. सूरत का स्टार्ट अल्लाह की तस्बीह से होता है कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है कायनात की हर चीज. तस्बीह का माना क्या होता है, हम ये लिख तो देते हैं पाकी बयान कर रही है या तस्बीह कर रही है. तस्बीह क्या है? सब बहायु सब बिहू का माना होता है किसी चीज को तैराना, किसी चीज को सतह पे बरकरार रखना, यानी फ्लोट करे कोई चीज ऊपर हो. जैसे है ना कुल्लुन फी फलक यस बहून, हर एक अपने मदार के अंदर तैर रहा है. अल्लाह ताला ने ये जो जितने भी अजरामे फलकी हैं, चांद सितारे ये जमीन सब चीजें, ये अपने ऑर्बिट्स में तैर रहे हैं. उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, यानी किसी चीज को फ्लोट कराना, चाहे पानी पे हो चाहे फिजा में हो. लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए हम ये लफ्ज कहते हैं सब्बहायु हसब्बहु, तो इसका माना क्या होता है कि जब अल्लाह ताला को हमने कहा कि अल्लाह ताला की तस्बीह है, तो यानी अल्लाह ताला को जैसे उसकी शान के लायक है उस मकाम पर बरकरार रखना अपने जहनों में. वैसे तो अल्लाह ताला बुलंदी है, आला है, पाक है हर ऐब से, मगर हम अपने जहन में ये रखें कि अल्लाह ताला की जो शान है उसके मुताबिक वो बुलंद है, आला है, वो हर ऐब से, हर कमजोरी से, हर नुक्स से, यानी जो होता ना फ्लॉ, हर फ्लॉ से, हर जोफ से, जो कमजोरी होती, जोफ कमजोरी समझ लें, हर मोहताजी से, एहतियाज से वो पाक है. यानी इतनी सारी चीजें कि, और यानी शिर्क से पाक है. अल्लाह ताला ने अपनी कुरान पाक में कई जगह ये बात आती है कि अल्लाह ताला पाक है उस चीज से जो वो अल्लाह के लिए बयान करते हैं शिर्क की बातें. तो यानी हम अल्लाह ताला को उस मकाम के ऊपर जब बरकरार रखते हैं कि जो उसका आला मकाम है, जैसी उसकी शान है, कि वो ऐसी तमाम कमजोरियों से पाक है, हर एतबार से वो आला है, उसको कहते हैं तस्बीह. क्या अब ये इतनी लंबी बात एक लफ्ज में तो नहीं हो सकती, इसलिए हम पाक ही कह देते हैं. तो किससे पाक है? बात तो ये है ना कि हमें समझ होनी चाहिए, जब हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीहां फेंकते हैं, दाने फेंकते हैं या उंगलियों पे पढ़ते हैं, तब हमें क्या ये शऊर होता है कि हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह तू ऐसा है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, अल्लाह तेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई नुक्स नहीं है. यानी इस तरह से अल्लाह ताला की हम शान बयान करते हैं, और कोई ऐसा तस्वुर तेरे साथ नहीं है जो तेरी शान के लायक ना हो, जो तेरे मकाम के लायक ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है तेरे अंदर. तो इतनी लंबी चौड़ी बातें तो ये एक तर्जुमे में नहीं हो सकती ना, जो एक इस लफ्ज ने बयान कर दी कि तस्बीह करे. ये अब ये काम कौन कर रहा है? अब आप ये पहले तस्बीह की बात आप समझ गई, समझ आ गई आपको?
अगर ये समझ आ गई तो अब आप सोचें कि क्या क्या चीजें अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। सुभान अल्लाह, कि जो आसमानों में है और जमीन में है, गिन सकते हैं हम कि क्या आसमानों में, हमें कहाँ पता है। चलो जमीन की तरफ देख लेते हैं, हमें तो जमीन की भी सारी मखलूकात नहीं मालूम। हम नहीं जानते समंदर के अंदर क्या क्या अल्लाह की मखलूकात है। हम तो खुद देख देख के हैरान होते रहते हैं कि वो लगता है एक और ही दुनिया है बसी हुई, हमारी इस दुनिया से अलग ही एक वो दुनिया है। फिर आप और मुल्कों में चले जाएं, कहीं सहराओं में, कहीं जंगलों में, वहां पे ऐसी ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक नजर आती है, जो वो दिखाते रहते हैं अल्लाह के हमें कि सुभान अल्लाह। यानी पिछले दिनों ही एक मैं देख रही थी प्रोग्राम में, वो दिखा रहे थे अल्लाह आलम कौन सा आइलैंड था, वहां पे सुभान अल्लाह ऐसी एक बंदर टाइप की चीज कह लें या क्या, ऐसे लग रहा था किसी इंसान ने कोई ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंप कर रहा है। बहुत देर तक ऐसे लगता रहा कि नहीं ये ऐसे ही फेक है। ऐसी ऐसी चीजें दिखाई उसके अंदर उन्होंने कि सुभान अल्लाह, वैसी मखलूक कभी देखी ही नहीं। यानी कितनी, यानी ये रिसेंटली की बात है कि ये जब मैंने प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा ये मैंने कभी नहीं देखी, जो जो चीजें उसके अंदर दिखा रहे थे कि क्या क्या मखलूकात है अल्लाह की। ये जमीन की बात है, हमारी कितनी महदूद सोच और महदूद इल्म है, जो चीजें हम अपने सामने थोड़ी बहुत देख लेते हैं। अभी तो ये वो कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना ली और ले आए तो हमें कुछ चंद एक चीजों का पता चल गया, अदरवाइज हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है। और क्या आप सोच सकते हैं कि हर चीज तस्वीर बयान कर रही है अल्लाह की। अब ये तस्वीर वो कैसे बयान कर रही है, क्या ऐसे जैसे हम तस्वीर करते, या कोई और तरीका उनका तस्वीर करने का। तो एक बात समझें कि बाज कहते हैं, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि देखें वो तस्बीह उनकी ना, उनकी तस्बीह ऐसे है कि उनकी तस्बीह तस्बीह हाल से है। क्या मतलब तस्बीह हाल है उनकी तस्बीह, यानी उनका हाल ऐसा है जो खुद ब खुद अल्लाह की तस्बीह है कि वो मालिक कौन है जिसने मुझे तख्लीक किया, वो खालिक कौन है, वो मुसव्विर कैसा है जिसने मुझे तख्लीक किया। ये उनका हाल बयान, यानी जैसे आप, कोई मुमासलत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, आप वहां पे देखते हैं खूबसूरत शानदार पेंटिंग्स, तो वो पेंटिंग एक, यानी मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि ये पेंटर कैसा जबरदस्त है। आपने पेंटर से नहीं मुलाकात की, पर उसकी जो शाहकार देख के ना आपको अंदाजा हो गया कि वो क्या जबरदस्त यानी पेंटर है, क्या जबरदस्त उसके पास हुनर है, उसने कैसी ये उसकी सोच है, कि वो सब आपको उस तस्वीर को देख के मालूम हो गया ना। अल्लाह ताला की मखलूक को देख के और जैसी उसकी डिजाइनिंग है, जैसी उसकी प्लानिंग है, जैसी उसकी हाल हुलियां हैं, जैसी उनकी जरूरियात पूरी हो रही हैं, जैसे वो चलते हैं, जैसे वो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं और सरवाइव कर रहे हैं, उससे पता नहीं चल गया कि वो खालिक कैसा खालिक होगा, वो प्लानर कैसा प्लानर है, वो कैसा आलिम है, वो कैसा खबीर है, वो कैसा समीर और बसीर है, सब पता चल रहा है ना। तो वो इटसेल्फ उसकी तस्बीह है। दूसरा माना, दूसरी ये बात है कि जुबाने काल से भी, यानी बोल के भी तस्बीह करते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? एक तो पहली बात ये कि हम कुरान पाक में ही हमने ये बात पढ़ी है कि हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर चीज। कि सूरह इसरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि सातों आसमान में अल्लाह के लिए, सातों आसमान जो है वो अल्लाह के लिए तस्बीह करते हैं, और जमीन भी और जो उनके दरमियान है वो भी, कोई शय नहीं है मगर वो तस्बीह करती है अल्लाह की उसकी हमद के साथ, उसकी हमद के साथ। यानी तस्बीह भी हो रही है और हमद भी हो रही है, मगर तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। सुभान अल्लाह, इसे पता चलता है कि वो जिस जुबान में, यानी ये तो हम सारे ही देख रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं समझ पा रहे, जुबाने हाल वाली, वो तो सब समझते हैं ना कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल सही है, हर चीज को हम देख के वाकई अल्लाह को पहचानते। ये वाली तो ऐसी कॉम्प्लेक्स तस्बीह नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो ऐसे तस्बीह करते हैं जिनको तुम समझ नहीं सकते। इसका मतलब है कोई डिफरेंट तस्बीह भी है उनकी, और वो है जुबाने काल से।
यानी हर चीज बोल के भी अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है और उसकी हमद बयान करती, तो फिर हमें क्यों नहीं सुन रहा? तो हमें पता है कि कितनी सारी आवाजें हैं इस कायनात में जो हम नहीं सुन सकते। अगर आप हेयरिंग के ऊपर जरा रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि खास डेसिबल से ऊपर की आवाज भी नहीं हम सुन सकते और नीचे की भी नहीं सुन सकते, खास रेंज के अंदर जो आवाजें हैं सिर्फ हम वो सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे चींटी ने बात की दूसरी चींटियों से, सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुन गई, उनके लश्कर को क्यों ना सुनी? अब कितनी चींटियां पता नहीं यहां पर बात कर रही हूं, हमें कहां सुन रहा है। अच्छा, इसी तरह और अल्लाह की मखलूक जो है वो तस्बीह करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को काने की तस्बीह सुनाई, तो इसका मतलब है कि तस्बीह कर रही है जो हमें नहीं सुनती, और जरूरी नहीं है कि हमें सुने सबकी तस्बीहात। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला खड़ा करेगा इंसान को और उसकी जिल्द बोलेगी और उसके और आज़ा बोलेंगे, तो हाथ पैर बोलेंगे, तो तब इंसान कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ गवाही देने लगे, वो तुम कैसे बोलने लगे? तो वो कहेंगे हमें उसने बोलने की कुव्वत दी जिसने हर चीज को कुव्वत दी है बोलने की। यानी बाकी चीजें तस्बीह करती हैं, ठीक है, बाकी 20 चीजें तस्बीह करें लेकिन हमें सुन नहीं रहा। हम बाज दफा देखते हैं सुबह सवेरे के ये परिंदे जो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, वाकई ऐसे लगता है कि एक गूंज है तस्बीह की, एक ये तस्बीह तो हमें सुनाई देती है और बाकी हमें नहीं सुनाई देती। अब जरूरी नहीं कि उनकी तस्बीह एग्जैक्ट सेम वर्ड्स हैं जो हमारे हैं, उनकी तस्बीह किस जुबान में है जो अल्लाह ने उनको जुबान दी हुई है, उनकी तस्बीह किस तरह से वो करते हैं जैसे अल्लाह को पता है, जैसे अल्लाह ने उनको कुव्वत दी हुई है। अब आप देखे ना, आवाजें ना सुनने में एक और बात मुझे याद आई कि कब्र में जो मुर्दों को अजाब होता है तो हदीस में आता है कि सब मखलूक सुनती है सिवाय जिन्न और इंस के, ये नहीं सिर्फ सुन सकते उस अजाब को। इसका मतलब है ना कि कई आवाजें नहीं हम सुन सकते, उनकी चीखो पुकार हम नहीं सुन सकते, अल्लाह ने हमें इससे महफूज रखा हुआ। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाई सूरज तस्बीह कर रहा है, नहीं हमने तो कभी नहीं सुनी आवाज। अच्छा, फलां तस्बीह कर रहा है कि नहीं, हमें तो दरख्तों की तस्बीह नहीं पता। नहीं, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ दोनों तस्बीह करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लिविंग थिंग्स तस्बीह करती है, नॉन लिविंग माँ आ गया जो कुछ भी है, और आसमानों की मखलूक का तो हम क्या जानेंगे, हमें कहाँ पता है आसमानों में क्या क्या मखलूकात है। आसमानों से मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि हम आसमान सोचें कि ये जो पहला दूसरा तीसरा आसमान की बात नहीं सिर्फ है, ये जो कायनात है अल्लाह ताला की, इसमें और प्लैनेट्स पे या और कहीं और जगहों पे अल्लाह की कोई अगर मखलूक है जिसको हम नहीं जानते, वो प्लैनेट्स देमसेल्फ भी, जो सिस्टम है जितने भी वो सितारे सैारे जितने भी हैं वो भी तस्बीह कर रहे हैं, और जो अगर उनके अंदर कोई लिविंग मखलूक है वो भी तस्बीह करती है, कोई एलियंस है मसलन, अल्लाह के लश्करों को सिवाय उसके कोई नहीं जानता, तो वो कैसे तस्बीह कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं वो अल्लाह को बेहतर मालूम है। हमारे लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि देखो सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। एक और इसका माना तस्बीह का ये भी किया गया है कि इनकी तस्बीह ये भी है कि ये सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं और उससे इधर से उधर टफ से मस नहीं होते, ये भी एक तस्बीह है। देखिए, सूरज जैसे कहा गया वैसे चल रहा है, चांद भी, जमीन भी, चिरिंद परिंद भी, जो भी जिस काम के लिए अल्लाह ने इनको लगाया वो वही कर रहे हैं। जब एक बात जहन के अंदर आती है, काफिर तो नहीं अल्लाह की तस्बीह बयान करता, उसका जिस्म तो वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, उसके जिस्म के ऊपर जितना हुक्म अल्लाह का चलता है उसका नहीं चलता, जैसे अल्लाह का हुक्म चल रहा है ना, तो इंसान का जोर अपने बालों पे है कि बाल अब मेरे लंबे हो जाए कुछ नहीं उसका बस चलता, नाखून मेरे बढ़ जाए उसका बस नहीं चलता, मेरा दिल सही काम करता रहे उसका बस नहीं चलता, मेरा पेट सही रहे उसका बस नहीं चलता, कुछ किसी चीज पे भी बस नहीं।
तो काफिर की भी जिस्म अल्लाह ही का फरमा बरदार है, और दूसरे काफिर भी जब तकलीफ में आता है तो वो भी फिर एक अल्लाह को ही पुकारता है। और इसकी कई मिसालें कुरान पाक में आई हैं, जहाजों के अंदर जब ये होते हैं जहाज डूलने लगते हैं फिर एक अल्लाह को पुकारते। तो इससे बताया हमें यहाँ पे गया कि देख लो फिर सब उस अल्लाह की तस्बीह करने में लगे हैं। अच्छा एक और बात इसके अंदर, ये जो तस्बीह से ही ना, जो मैंने आपको तैरने की बात बताई, इसी से आप देखें कि अब पता चलता है कि हर चीज एटम से बनी हुई है, और एटम के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं, कैसे वो घूम रहे होते हैं अपने न्यूक्लियस के गिर्द, ये उनकी तस्वीर है। सुभान अल्लाह, तो फिर तो हर चीज के अंदर ये तस्वीर है। जब इंसान ये सोचता है ना कि हर चीज तस्वीर कर रही है, मैं तो तस्वीर हूं के बीच में घिरा हुआ हूं, आसमान भी अगर सारी आवाजें हमें आने लगे ना तो वो हर तरफ हमें तस्वीर अल्लाह ही की सुनाई दे। जब इंसान ये सोचता है कि हर तरफ तस्वीर हो रही, तो क्या क्या जहन में आता है, पहाड़ तस्वीर कर रहे हैं, दरख्त तस्वीर कर रहे हैं, चिरिंद परिंद तस्वीर कर रहे हैं, समुंदर मछलियां हैवानात हशरात सब तस्वीर कर रहे हैं, एक जुबान होके कह रहे हैं अल्लाह तू परफेक्ट है, अल्लाह तेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, अल्लाह तेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, अल्लाह तू हर नक्शे पाक है, ये सब कर रहे हैं, वो करते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या जहन में आता है, मुझे भी तो तस्वीर करनी चाहिए। सारी कायनात अल्लाह की पाकी बयान कर रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं। और वो ऐसे ही नहीं कर रही, अल्लाह ताला वहुवल अजीजुल हकीम, वो है ही अजीज और हकीम, वो है ही जबरदस्त और हिकमत वाला। यहां पे देखिए गफूर रहीम नहीं आया, अलीमुल खबीर नहीं आ गया, अजीजुल हकीम आया। वो क्यों तस्बीह कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला लायक है इसके कि उसकी तस्बीह की जाए, क्योंकि वो अल अजीज है मोस्ट पावरफुल। एक माना हो गया। नंबर टू, उसका इख्तियार है, वो टोटल इख्तियार का मालिक है, टोटल अथॉरिटी, कंप्लीट एंड अनलिमिटेड अथॉरिटी है उसके पास। और नंबर थ्री, अजीज का माना है इज्जत से, इज्जत वाला है। तो यानी ये ऐसे ही नहीं तस्बीह हो रही, वो वाकई अल्लाह ताला ये सारे ये माने रख के अल अजीज को सोचें कि वो कितना बा इख्तियार है, जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, जो चाहे करे, जो चाहे करे, नो चेक्स एंड बैलेंसेस। दुनिया में होता है ना, जो हुकूमतें कायम होती हैं तो कहते हैं इनकी कोई अपोजिशन होनी चाहिए ताकि कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हो, वरना तो ये आपे से बाहर हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, जो मर्जी करेंगे फिर ऑन बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला के पास जो एब्सोल्यूट पावर है और अथॉरिटी है, वो उसको करप्ट नहीं करती, बल्कि वो हकीम भी तो है, क्योंकि वो अपने सारे इख्तियारात को इस्तेमाल करता है मगर हिकमत के साथ, ऐसे ही नहीं उसके इख्तियारात अलट अप इस्तेमाल हो रहे। अथॉरिटी वैसे इंसानों को मिल जाए तो वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं ना, किसी को भी पूरी फुल अथॉरिटी दे दें आप तो वो एक दो दिन ठीक रहेगा, उसके दिमाग खराब हो जाएगा चौथे, मैं पता नहीं क्या चीज हूं, और बस अब वो जुल्म करने लगता है, ना इंसाफियां करने लगता है, हक मारने लगता है लोगों के। आप देखिए फिरौन को एक अथॉरिटी मिल गई थी, उसका हाल क्या हो गया, नमरूद को मिली थी, उसका हाल क्या हो। लेकिन अल्लाह ताला के पास हिकमत है, हिकमत क्या होती है, पुख्तगी, विजडम जिसको हम कहते हैं, दानाई। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो दाना इंसान होता है, वाइज इंसान होता है, उसको हम कहते हैं हकीम, लुकमान हकीम, राइट। उसके पास हिकमत है, अटमोस्ट पावर भी है, इख्तियार भी है, लेकिन साथ हिकमत भी है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।